गुजरात के चुनावी अखाड़े से अब आपको उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में लेकर चलते हैं, जहां डिंपल यादव चुनावी दंगल में उतरी हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 26 वर्षों से कब्जा है। बीते 26 सालों में विरोधी पार्टियां मुलायम सिंह यादव के चरखा दाव का तोड़ अभी तक नहीं खोज पाई, लेकिन अब की बार मैनपुरी की लड़ाई दिवंगत मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की जंग बन गई। मैनपुरी में अखिलेश का बड़ा इम्तिहान है। क्या डिंपल को चुनाव जिताएंगे शिवपाल? एक तरफ बहु डिंपल, दूसरी तरफ शिष्य। मैनपुरी में बीजेपी का दांव, कौन जीतेगा चुनाव? क्या दिवंगत मुलायम सिंह यादव की विरासत बचा पाएंगी बहु डिंपल? इस सवाल का जवाब तीन तस्वीरों में छिपा है। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जब डिंपल यादव ने पर्चा भरा तो वो नदारद थे। जब बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को टिकट दिया तो शाक्य ने खुद को शिवपाल का शिष्य बताया, और अब मैनपुरी के चुनावी दंगल में शिवपाल सिंह यादव की एंट्री हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश की वर्किंग स्टाइल पर चाचा शिवपाल अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। डिंपल के नामांकन के वक्त शिवपाल की गैरहाजिरी को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा गया था, लेकिन अब शिवपाल यादव लखनऊ से सैफई पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अपने बड़े भाई अभय राम यादव से अकेले में बातचीत की। बड़ी बात ये कि इस बातचीत के बाद शिवपाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। शिवपाल यादव ने आज अपने समर्थकों के साथ इटावा में बैठक की। फैसला ये हुआ कि अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की 1-to-1 मुलाकात होगी और कुछ बातें तय होंगी। एक बात साफ हो गई कि अब शिवपाल यादव और उनका पूरा तंत्र डिंपल यादव के लिए पूरी ताकत लगाएगा, जोर लगाएगा। फिलहाल लगता यह है कि इस चुनाव में यादव कुनबा डिंपल यादव के लिए एक ही रहेगा। 26 वर्षों से मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मुलायम के जीते जी इस गढ़ में न बीजेपी सेंध लगा पाई और न ही बीएसपी, लेकिन अब बदले हुए समीकरणों के बीच कुछ भी कहना मुश्किल है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, यहाँ तक कि डिंपल घर घर प्रचार कर रही है। पूरा यादव कुनबा मैनपुरी की जनता से मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांग रहा है। तो जहाँ पुरानी पीढ़ी इस बार साथ दे रही, वहीं नई पीढ़ी दोनों मिलकर के ऐतिहासिक मतदान से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। ये वही शाक्य हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन अब बीजेपी में हैं। रघुराज शाक्य मुलायम और शिवपाल दोनों को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। मैं जानता हूं 8 तारीख को मैनपुरी में बदलाव होगा, कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। बीजेपी ने शाक्य पर दांव लगाया तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली। प्लान के तहत मैनपुरी लोकसभा में आने वाली अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी विधानसभा, आदित्य यादव को जसवंत नगर और करहल, किसनी विधानसभा की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव को दी गई है, जबकि भोगन विधानसभा सीट की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य को दी गई है। चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बनाया है। वजह है मैनपुरी का जातीय समीकरण। मैनपुरी लोकसभा में 4,25,000 यादव हैं। वोटरों के लिहाज से दूसरे नंबर पर 3,00,000 शाक्य, वहीं 2,15,000 क्षत्रिय हैं। करीब 2,00,000 के करीब दलित हैं और अगड़ी जातियां करीब 1,25,000 के करीब हैं। मैनपुरी में जाति बड़ा फैक्टर है और यही फैक्टर हार जीत तय करेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के पूर्व साथी ओम प्रकाश राजभर अब परिवारवाद बनाम पिछड़ी जाति वाला नारा बुलंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी शाक्य को टिकट क्यों नहीं दिया? कश्यप को क्यों नहीं दिया? पाल प्रजापति को क्यों नहीं दिया? बीन को क्यों नहीं दिया? राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को क्यों नहीं दिया? खाली अखिलेश जी का परिवार लड़ी?
मैनपुरी में उपचुनाव की लड़ाई मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाए रखने की लड़ाई भी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव हर कीमत पर डिंपल को जिताना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिलाकर बीजेपी परिवारवाद वाली सोच पर चोट करना चाहती है। दोनों पार्टियों ने जोर लगा रखा है, लेकिन फैसला मैनपुरी की जनता को करना है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ मैनपुरी से अभिषेक मिश्रा आज तक।